हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से निकल रही हूँ। कहाँ के लिए? मैं जा रही हूँ मेरे होम टाउन, मेरे घर। मैं कोलकाता से नहीं हूँ, लास्ट 5 ईयर्स से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो मुझे बहुत सारे DM आते हैं, फेसबुक में भी लोग बहुत सारा पूछते रहते हैं कि तुम कहाँ से हो। तो मैं हूँ नॉर्थ बंगाल से। मेरे घर के वहाँ पर लोग पैसा खर्चा करके जाते हैं घूमने के लिए। एक्चुअली में हम जाने वाले थे बाइक पे ही, लेकिन फिर हमको कुछ काम था और मुझे ट्रेन का कोई टिकट मिला नहीं। बहुत सारा पेपर वर्क बाकी है मुझे मेरे घर पे, तो इसलिए मैं बस से ही जाने वाली हूँ। तो ट्रैवल तो इंजॉय करना बनता है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं। प्लैनेट और हमारा बस जो है आ चुका है, हाफ एन आवर बाकी है, तो थोड़ा सा चाय तो बनता है। और बेचारा प्रीतम सोचा था कि मेरे साथ जाएगा इस बार घूमने के लिए, काम के चक्कर में नहीं जा पाया। असल में मुझे बहुत सारा काम है घर पे, तो इसलिए इमरजेंसी में ही जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं बस में जा रही हूँ। नहीं तो मैं ट्रेन में जाती, वंदे भारत में जाती, तो उसमें टाइम भी कम लगता है एंड दिन में अब पहुँच भी जाते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते अभी मिला नहीं तो। ये है मेरा बस और मैंने जो है मेरा सीट देख लिया है, ये वाला है मेरा सीट। मेरा बैग यहाँ पे रखा हुआ है। जी इतना बार तो बाइक पे आप गई है, आई है, उसका तो अलग मजा है। तो अभी इस बार बस पे जाने का कैसा एक्साइटमेंट लग रहा है? एक्साइटमेंट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे बस वाला जर्नी उतना पसंद नहीं है, क्योंकि जैम में अगर फंस गया तो फिर क्या, मतलब पूरी रात निकल जाएगा, फिर भी निकल नहीं पाएंगे, इसलिए बाइक ज्यादा पसंद है। तो ठीक है, कोई नहीं, इसमें भी चले जाते हैं, देख लेते हैं कैसा लगता है। बस में जा रही हूँ, देखते कितना टाइम लगता है। ये थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है कि फुल नाइट आप सोने के लिए है, लेकिन नींद आती तो है नहीं। देखते हैं। तो ये कौन सा जगह है पता नहीं, लेकिन कब से खड़ा है बस, यहाँ पे सामान लोड हो रहा है। ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं वही लोड किया जा रहा है बस के अंदर। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स से जो है बस चली नहीं है, हमें रुकी हुई है। और यहाँ पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिनर लाया है तो मैं यहाँ पे खाऊंगी नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। तो पहले मैं वॉशरूम जाऊंगी, फिर जो है बस के अंदर जाके ही खाना खाऊंगी। ये रहा जो है, बज रहे 3:40 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हाफ एन आवर ऑलमोस्ट रुकेगा बस। तो मैंने जो है वॉशरूम वगैरह कर लिया है, बहुत ही क्लीन था, लेकिन फिर भी ये पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एटलीस्ट हमारे लिए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है नहीं फिर से। तो यहाँ पे रुका ही है, तो मैं डिनर ख़त्म कर लूँगी। मैंने नूडल्स घर से ही बना के लाए हैं, तो वही मैं कर लूँगी। बाहर का खाना थोड़ा सा ही अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो नहीं कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। तो अभी मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। अभी बस रुकी है डालकोला में घर ढाबा के सामने वॉशरूम के लिए, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था तो मैंने यहाँ पे स्वेटशर्ट पहन लिया। रात को मुझे थोड़ा सा भी नींद नहीं आया है, तो मेरे को हालत देख ही सकते हैं आप लोग। पहुँच गई बाग डोगरा, तो टाइम पे ही है, 7:30 बजे शहर पहुँचेगा बोला था शेरी पूरी, तो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और 4 बजे से मैं जगह हुई,
टेंजिंग नॉर्वे पे बट उतारा नहीं, तो एक्सप्रेस लाइन का जो हब है वहाँ पे उतारा। तो वहाँ से मैं फिर टोटो लेके आई हूँ पीसी मित्तल के यहाँ पे, फिर मैंने ले लिया मेरा बस। तो अभी मैं निकल चुका हूँ। ये है बंगाल सफारी का फॉरेस्ट जो कि सिलीगुड़ी से शिलोंग जाने के रास्ते में पड़ता है। अभी पतझड़ का टाइम चल रहा है तो वैसे सूखी सूखी से पेड़ दिख रहे होंगे, लेकिन ये वाला व्यू देखिएगा बहुत ही मस्त है। और अगर फॉग नहीं रहता तो पहाड़ का व्यू और भी ज़्यादा मस्त आता। और एक चीज़ जो कि दिलकश वो है शिवों का काली माता का मंदिर जो कि पहाड़ों के ऊपर है। और नीचे जो है फ्लावर शॉप और पूजा की सामग्री जो भी ज़रूरत होती है पूजा करने के लिए सब कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे। कभी हम भी आएंगे पूजा करने के लिए तो आपसे रिजल्ट जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए चल गए। और एक चीज़ आप करता है ये वाला रिश्ता देख के आपको याद आ रहा है यही साइड से जाते हैं सिक्किम, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। मेरा घर इस तरफ नहीं है, मेरा घर इस तरफ है। ये है कॉम्बिशन ब्रिज और ये व्यू देखिए, मुझे अभी जाने का मन कर रहा है सिक्किम, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे घर चलते हैं। तो मैंने इसीलिए विंडो साइड लिया था क्योंकि मैं व्यू एंजॉय करना चाहती थी, बहुत दिन बाद जा रही हूँ। और ये रहा टी गार्डन, हमारे घर जाते टाइम बहुत कुछ पड़ता है लाइक गुरुद्वारा फॉरेस्ट, चापड़ामारी फॉरेस्ट। ये चापड़ामारी फॉरेस्ट है, अभी इतना ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि अभी पतझड़ का टाइम चल रहा है। मुझे हिरन भी देखने को मिले थे लेकिन कैप्चर हुआ नहीं फ़ोन में, ऑब्वियस बात। मैं पहुँच चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं 11 ऑलमोस्ट, लेकिन बज रहे हैं, मेरी सहेली आ गई मुझे पिक करने के लिए। ये सारे फ्लावर्स लाए हैं मेरे लिए। कैसे पकड़ो, छोड़ छोड़ छोड़, ठीक है, थैंक यू। चल अभी जा, अभी ऑटो थे, चल। ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो मैं लाई थी मफिन जो कि एक टोटो में ही गिर गया सिलीगुड़ी में, और बचा है दो क्योंकि प्रिया भी बिना खाए पिए आई है। तो हम दोनों मिलकर अभी खा रहे हैं मफिन और चले जाएंगे। हमने लिया है टोटो, ऑटो भरने में टाइम लग जाता है, पैसेंजर नहीं होगा तो नहीं लेके जाएंगे, तो इसलिए हमने लिया है टोटो और जा रहे हैं घर मस्त। सच्ची बताओ तो ये मक्खन सा रास्ता और ये व्यू देख के मैं मेरी बाइक और प्रीतम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बाइक में आते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। कोई नहीं, बहुत जल्द हम लोग बाइक लेके भी आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है तो स्टे ट्यून्ड।